नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश अंचल। मैं हूं आपके साथ महेश जैन। आज हम बात करते हैं प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के बड़े बड़े दावों की। जहां एक तरफ तो प्रदेश सरकार बेहतर शिक्षा प्रणाली लागू करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ स्कूलों के बदहाल हालत दिखाई दे रही है। स्कूल जो है वहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के नजारे देखने को मिल रहे हैं। जहां स्कूल परिसर में ही जहां बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहां गांव के ही दबंगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। मनासा तहसील के तलाव ग्राम पंचायत के मान्याखेड़ी गांव की तस्वीरें देखिए। शासन चाहे लाख दावे करे बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने की, लेकिन इन दावों के बीच आज भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के नजारे देखने को मिलते हैं। गांव क्षेत्रों में स्थानीय सरपंच व सचिव की लापरवाही के चलते छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही। ताजा तस्वीरें मनासा तहसील के ग्राम पंचायत तलाव के अंतर्गत आने वाले मान्याखेड़ी गाँव की सामने आई, जहाँ प्राथमिक विद्यालय पर गाँव के कुछ दबंगों ने अवैध अतिक्रमण कर स्कूल परिसर को ही अपने गाय भैंस बांधने का अड्डा बना डाला। स्कूल के छात्र छात्राओं और शिक्षक ने कई बार सरपंच व सचिव से गुहार लगाई, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। जिम्मेदारों को पत्र भी लिखा गया, लेकिन समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते आज छात्र छात्रा परेशान हो रहे हैं। वहीं बाउंड्री वॉल के अभाव में स्कूल परिसर अवैध अतिक्रमणताओं का अड्डा बनता चला जा रहा है। साथ ही गाँव से स्कूल तक आने में मुख्य मार्ग के हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि छात्र छात्राओं को स्कूल आने में कीचड़ भरे मार्ग से होकर गुजरना पड़ रहा है, और सरपंच व सचिव इस ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। मैंने आपको बताई कि इनकी बाउंड्री का अतिक्रमण हटे और इनकी बाउंड्री वाल पूरी हो और बच्चे आने जाने का रास्ता क्लियर हो, और जो कीचड़ में परेशानी आ रही है बच्चों को, वो सड़क सही हो जाए तो बच्चों को आने जाने में परेशानी रहेगी। 1996 से यहाँ पदस्थ हूँ। मेरी मुख्य मांग तो ये है कि हमारे यहाँ साला में बाउंड्री वाल की समस्या है। लोग बाग गाँव वाले अतिक्रमण कर रहे हैं, तो बाउंड्री वाल होने के बाद में गांव वाले नहीं करेंगे, और हमारे यहाँ 15 से 20 छात्र की संख्या है। आने जाने का ये रास्ता खराब है, तो आने जाने में बच्चों को बहुत परेशानी आ रही है। अतिक्रमण का संकट पूरी तहसील के सारे स्कूलों में है। आपने एक स्कूल देखा, उनसे पूछ लिया, अगर आप हर स्कूल में जाएंगे तो हर स्कूल आपको यही शिकायत करेगा कि यहाँ ढोरों की परेशानी है, या जानवर घुस जाते हैं, गंदगी करते हैं, लोगों ने अतिक्रमण करके, ये हर स्कूल की शिकायत है। मेरा ऐसा मानना है कि इस मामले में प्रशासन को भी थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। सिर्फ विधायक अकेला कुछ नहीं कर सकता, प्रशासन जब तक सक्रिय नहीं होगा, और प्रशासन इस मामले में बिल्कुल निर्लिप्त है। प्रशासन राजनीतिक आधार पर काम कर रहा है। आपने ये बात जो मेरे से कही, अगर आप प्रशासन से पूछेंगे या जिला कलेक्टर से पूछेंगे तो वही कहेंगे हम देखेंगे इसको, और उसके बाद वहाँ कोई नहीं जाएगा प्रशासनिक अधिकारी, जबकि प्रशासनिक अधिकारी उन एरिया को खाली तो करा के दे। इन अतिक्रमणकर्ताओं से झगड़ा कौन करेगा? प्रशासन बिल्कुल निर्लिप्त है। शिक्षा विभाग अपनी सीमाएं तो तय करे पहले कि हमारी ये सीमा है, इसमें काम होना है। अगर जहाँ सीमा क्लियर है वहाँ मैं फेंसिंग करा देता हूँ। बाउंड्री वाल तो इसलिए संभव नहीं है कि विधायक निधि इतनी बड़ी भी नहीं आती कि मैं सारे स्कूलों की बाउंड्री बना दूँ, पर उन स्कूलों में मैं वायर फेंसिंग करा सकता हूँ अगर वहाँ की जमीन प्रशासन मुक्त करके देता है तो।